Hey guys, welcome back to our channel Pearl and Viraj Vlogs. So, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेरे स्कूल जब खुल गए हैं तो अब मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ एंड वहाँ पे बहुत फन करती हूँ. आज मैं आपको अपने स्कूल के थोड़े बहुत स्टफ्स दिखाऊंगी और आपसे थोड़ी बहुत बातें भी करूँगी. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी यूनिफॉर्म. सो मेरी यूनिफॉर्म है ये एक ऐसे करके पहनते हैं इसको, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई. ये है एक यूनिफॉर्म मेरी, इसको हम पहनेंगे और ये भी आएगा पर ये मेरी यूनिफॉर्म है. और तो यूनिफॉर्म के साथ बैग तो बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पास है ये एक बेल्ट. तो मैं ये डी ए वी पब्लिक स्कूल मेडियल का बैग ले रहा हूँ. तो ये मेरा स्पाइडरमैन बैग है और उसमें राज के पास बहुत अच्छे अच्छे स्पाइडरमैन बैग है और ये कलर पाउच इसके कलर है. तो विराज अभी आप बाद में बात कर लेना, पहले मैं कर लेती हूँ. तो गाइस ये है मेरा, इसमें विराज अपने लंच रखता है जैसे मम्मा. तो सबसे पहले जैसे हम क्लास में जाते हैं तो हमारे ना वहाँ पे सबसे पहले क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर होती है एंड देन ओम भूर्भुवस्वः जने गण एंड उसके बाद फिर हमारा फूड ब्रेक होता है. तो हम फूड भी लेके सबको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा. ये न्यू बॉटल मेरी मम्मा लाई थी मेरे लिए और मैं स्कूल में जाती हूँ ठंडा पानी लेके क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. और ये है मेरी बॉटल. सो अब मैं आपको दिखाने वाली सबसे ज़्यादा मेन चीज मेरा बैग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा बैग है एंड इस पर लिखा हुआ है, ये देखो इसके अंदर लिखा है, यहाँ पे लिखा है सफारी और बाकी सारी जो SAFARI ठीक है, इस पे सफारी लिखा हुआ है एंड सारी जिप्स पे भी सफारी लिखा है. तो सबसे पहला मेन चीज मैम ने कहा कि जो मेरी ये वाली पॉकेट है इसमें मैंने रखा है, ये वाली पॉकेट इसमें मैं हमेशा रखती हूँ वन एक्स्ट्रा मास्क रखती हूँ मैं, क्योंकि अगर मास्क गंदा हो जाए या गिर जाए फट जाए तो मैं एक्स्ट्रा मास्क जरूर रखना चाहिए. अगर आपके भी स्कूल खुल गए ना तो आप भी एक्स्ट्रा मास्क जरूर रखना. मेरे पास भी रख दिया मेरे पास एक यहाँ जहाँ पे सफारी लिखा है एक यहाँ पे भी जिप है, इसको खोलो और ये इसमें से निकलेगा. सैनिटाइजर भी मैं लेके जाती हूँ, सैनिटाइजर आप भी लेके जाना और चलो सैनिटाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा सैनिटाइज कर लेते हैं. ये तो मेरे को एक नहीं आता तो मेरे को दो आ जाता है. ओहो दूर रख, दूर करके करो आइज विद गाइस को थोड़ा सा दूर करके करते हैं क्योंकि अगर ये आइज में चला जाए ना क्योंकि केमिकल केमिकल होता है इसमें बहुत ज्यादा, तो इसीलिए हमको. सो गाइस और नहीं तो मैं भी सैनिटाइज कर लूँ. अरे यार मुझे पानी से ऐसा पानी नहीं, जब ये खत्म हो जाएगा ना तब आप पानी से फिस करना ये. तो चलो ये मैं सैनिटाइजर अपने बैग में रख देती हूँ वरना मैं फिर रखना भूल जाऊंगी. गाइस आपको पता है जैसे आपको पता है मेरा व्लॉग आता है हर संडे, उससे पहले क्या आता है सैटरडे ऑब्वियसली. तो इस सैटरडे ये सेकंड सैटरडे था ठीक है और इस सैटरडे कंचक भी थी. तो हमने हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं थी, पता नहीं क्यों ऐसा किया, हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं की इस सैटरडे सेकंड सैटरडे. बाकी सारे स्कूल्स की छुट्टी है बस हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं थी एंड मैम ने कह दिया जो आप थर्ड सैटरडे आएगा ना उसमें आपकी छुट्टी करती है. तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हमारी फोर छुट्टियाँ हो जाएंगी वहाँ उधर थर्ड सैटरडे से. और यहाँ पे आज हम
आज हम स्कूल चले गए सैटरडे को, देन फिर अब मंडे। सो गाइस मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मंडे मेरा बर्थडे है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे पर का बर्थडे आ रहा है तो आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मंडे मेरा बर्थडे है एंड संडे मेरा ब्लॉग आता है तो उसके अगले दिन ही मेरा बर्थडे है। उसके बाद यू घुमा के यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद मेरा भी बर्थडे आएगा। राज का बर्थडे निकल चुका है, मेरा बर्थडे आएगा। हाँ आएगा नेक्स्ट बर्थडे के बाद। तो गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बोल के हैप्पी बर्थडे। मैं 10 इयर्स की हो जाऊंगी और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बर्थडे आ जाएगा और बहुत ज्यादा। मैं आपको अपना बर्थडे व्लॉग भी दिखाऊंगी, मैं बर्थडे दिन मैं व्लॉग भी बनाऊंगी एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने बैग से। तो यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ ये जो सफारी जिप के बाद ओके बर्थडे की बात तो ये मैंने एक्स्ट्रा हैंकी एंड थोड़े बहुत कलर्स ऐसे रख लेती हूँ मैं एंड नथिंग, बस यही दो चीज़ें रखती हूँ। ओ गाइस आई फॉरगॉट, ये वाली जिप है ना, इसमें मैं अपना लंच बॉक्स और फ्रूट रखा ब्लेबलेट लेके आया है। देखो मेरे को दिखाया भी नहीं है, ये इतना बड़ा ब्लेबलेट देखना गाइस, नहीं ये इसका ब्रांड जायंट ब्लेबलेट इसको ज्यादा ही बड़ा है। चलो मैं तब तक कंटिन्यू करती हूँ ठीक है, और इसमें मैं अपना वो रखती हूँ। तो ये लास्ट जिप है मेरी, इसको मैं खोलूंगी एंड इसमें मेरे को क्या मिलेगा, मेरी रफ नोटबुक एंड मेरी हिंदी की नोटबुक। रफ नोटबुक ये मेरी क्या करती है और ये मेरी हिंदी की नोटबुक है। अभी मैम ना अभी थोड़े दिन हो गए हैं हमको, बस 1-3 डेज हुए हैं स्कूल जाते थे, तो मैम अभी बुक्स नहीं मंगवा रही है, सिर्फ नोटबुक्स और थोड़ी बहुत वर्कशीट्स मंगवा रही है। वर्कशीट मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी वर्कशीट का नाम है द ब्रिजिंग द गैप वर्कशीट। तो ये मेरा पाउच, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है एक प्रोटेक्टर, मैं लेके जाती हूँ हमेशा प्रोटेक्टर। अगर मैं ऐसा स्केल गिर गया, अगर स्केल गिर गया ऐसे कर, यहाँ पे कुछ नहीं है ठीक है। ऊपर गाइस देखो कैसे चल रहा, ऐसे होता है यू करके ना, ये रहा स्केल एंड प्रोटेक्टर। तो और मेरे पास है एक शार्पनर, मजाक मत करो मेरे को बात करनी है। एंड मेरे पास है यहाँ पे 2 पेंसिल्स, मैं पेंसिल्स भी लेके जाती हूँ। सो गाइस मेरे को ना 5th से ही पेन लग गया, तो मैं पायलट पेन लेके जाती हूँ, ये अगर मैम कोई काम कराए तो पायलट पेन से लिख लेती हूँ अगर मैम पेन से कह लेती हूँ, और 1 रीजन। तो यही है मेरे बैग में, और मेरे पाउच में एक और चीज़ है, आपको सीक्रेट बताते हो मेरे पास एक सीक्रेट है। मेरे ना यहाँ पे एक पॉकेट है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें है, इसमें है ये पेंसिल्स के शेविंग्स, पेंसिल्स के शेविंग्स है इसमें गाइस, ये देखो गाइस ये देखो पेंसिल्स के शेविंग है ये। तेरे बर्थडे में गिफ्ट नहीं लाए थे, मेरे बर्थडे के लिए गिफ्ट नहीं लाए, बस मुझे कोई बात नहीं मैं ला लेंगे। अच्छा तो ये मेरा बैग, तो मैं अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रिजिंग द गैप वर्कशीट मेरी, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। यहाँ पे ना एक स्पेस है कुछ भी रखने के लिए, तो इसको बस ऐसे करके ओपन करना है, और मैंने तो सबसे पहली है सोशल स्टडीज की, सोशल स्टडीज। नेक्स्ट है हिंदी, ओ माय गॉड ये फैन की वजह से उड़ रहे हैं, और ये कौन सी, ये मैथ्स है, बस मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ बट
स्टिल इट्स ओके, लिख ले। ये कौन सी है? ये है साइंस एंड ये है इंग्लिश। देखो मैंने पेन से लिखा हुआ सेल्फ चेक। आज मैं हमारा सैटरडे हमारा इंग्लिश का पीरियड है। ओ गॉड प्लीज ना हो गई ये सो बस। ओ माय गॉड मेरे पेपर शिट। आई थिंक गाइस मैं मैप भी लिखी गई थी क्योंकि हमारा सोशल स्टडीज का पीरियड था बट वो कैंसिल हो गया। हमारी 1:30 छुट्टी कर दी थी क्योंकि सैटरडे हम स्कूल गए थे तो हाफ एन आवर बस हमें हाफ एन आवर वेट करना था। फिर हमें वैसे तो 2:00 छुट्टी होती है बट इस सैटरडे हमारी 1:30 हुई थी किसी रीजन से वो मुझे नहीं पता है। तो मैं ये मैप भी लेके गई थी दैट्स इट। बस ये लेके गई थी और अपना लंच बॉक्स एंड दैट एवरीथिंग। और मैम कुछ मेरे को 2-3 डेज हो चुके हैं मैं जा रही हूँ स्कूल एंड विराज भी स्कूल जाता है। विराज के 6 अप्रैल से खुल गए थे एंड मेरे 8 अप्रैल से, तो मैं 8 अप्रैल से जा रही हूँ और विराज 6 अप्रैल से जा रहा है। विराज की सैटरडे छुट्टी थी बस, हमारी छुट्टी नहीं थी बस। आई एम सो सैड। ओके दैट्स फाइन, हमें नेक्स्ट सैटरडे छुट्टी मिल गई। तो हमारे ना एक ये है कि जो सेकंड के बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड प्री प्राइमरी एंड दैट्स ऑल, उनकी सैटरडे सैटरडेज भी छुट्टी होंगी बट जब वो 3rd, 4th, 5th में आ जाएंगे तब उनकी सैटरडे भी उनको स्कूल जाना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट सैटरडे छुट्टी कर दी तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो गुड, तो मैं ये सब कुछ रख देती हूँ। और हाँ मैं एक चीज़ को आपको दिखाना भूल ही गई। अरे तो कहाँ गई? आई थिंक वो उधर है, मैं लेके आती हूँ। कहाँ पे? उधर है, मैं लेके आती हूँ। येलो? नहीं मैं लेके आती हूँ ये। मैं एक सेकेंड लेके आई। हाँ तो ये भूल ही गई थी मेरे शूज। सो हमको वाइट कलर में शूज हो। हाँ जैसे फ्राइडे पीरियड होता है तो हम हाउस पहनते हैं। मेरा है ब्लू हाउस अमृता शेरगिल एंड हमें बॉयज को निक्कर पहननी पड़ती है व्हाइट निक्कर एंड गर्ल्स को स्कर्ट एंड व्हाइट शूज। सो ये जो मैंने आपको दिखाया था ना ये मेरी यूनिफॉर्म, इसके साथ हमको ब्राउन शूज पहनने पड़ेंगे, ये वाले ब्राउन शूज। सो गाइस ये थी मेरी सारा स्टफ, स्कूल का सारा स्टफ, होल स्टफ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय। इधर आके बाय करो। बाय।